दोस्तों, यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे द 100 वुमेन्स का, जो आज का अगला मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में। तो ये मैच खेला जाएगा आपके लंदन स्पिरिट्स वुमेन LNS वुमेन्स और साउदर्न ब्रीव वुमेन्स के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जो होंगे हमारी फैंटेसी की टीम में दोस्तों, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे ना, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाओगे ना, तो आपके क्लीन स्वीप करने के चांसेस कम हो जाएंगे ना दोस्तों। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए, आपको हमारे यूज़र्स की है ना, जो हमारे यूज़र्स है, जो हमारे सारे बातों को फॉलो करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं ना, उनका विनिंग्स आपको एक बार दिखा देते हैं ना। चलिए, उनकी विनिंग्स आपको एक बार शेयर कर देते हैं आपके साथ। चलिए आपको दिखाते हैं जिन यूज़र्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उन लोगों ने कितना विन किया, कितना उनकी विनिंग्स है आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। सुमित ने लिखा, क्या लिखा, भाई आपकी टीम से मैंने 55,000 जीत गया, थैंक यू। इन्होंने 55,000 विन किया, क्यों किया, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं प्लस इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है दोस्तों। गोडविल गेमिंग लिखते हैं, आपके जैसा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देने वाला कोई नहीं है सर, आपके वीडियोस में पूरा देखता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ, आपके वीडियोस में रोज़ देखता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ, मैं 290,000 जीत गया सर। वाह, क्या विनिंग है दोस्तों, 290,000 दोस्तों एक ही दिन में इन्होंने विन कर लिया। क्यों किया, इन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए जीता। इन्होंने लिखा, मैंने कल मिनी ग्रैंड लीग क्लीन स्वीप किया सर, 200,000 तक विनिंग कर लिया मैंने। इन्होंने भी 200,000 विन कर लिया। अजय कुमार लिखते हैं, असम सर मैंने 100,000 विन किया IPL में आपकी टीम से। देखिए इन्होंने 100,000 विन किया दोस्तों, 200,000 विन करे, 290,000, इन्हें 155,000। तो देखिए कितनी ज़्यादा विनिंग्स कर रहे हमारे मेंबर्स, हमारे यूजर्स दोस्तों। वाह, मज़ा आ गया, आपके टेलीग्राम वाली टीम से 19,000 जीत गया। देखो वो लोग, देखिए इन्होंने 19,000 जीत गया, क्यों जीता इन्होंने 19,000, क्योंकि ये हमारे टेलीग्राम से जुड़े थे ना दोस्तों, इसलिए इन्होंने 19,000 रुपये जीता। अगर ये टेलीग्राम से नहीं जुड़ते वो नहीं जीत पाते, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हमारी टीम आती है, टेलीग्राम टीम से इन्होंने खेला और जीत गए। यहाँ पर इन्होंने लिखा, मैं रोज़ 10 से 15,000 जीतता हूँ। देखिए ये रोज़ हमारे टीम टेलीग्राम वाले टीम से खेलते और 10 से 15,000 जीतते, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको तसल्ली ना हो देख लीजिए। इन्होंने खुद लिखा है, हमारे यूजर्स ने खुद लिखा है ये। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको हमारे यूजर्स की विनिंग्स दिख जाएंगे। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम कहाँ मिलती है, इतनी तगड़ी टीम मिलती है आपको टेलीग्राम पर दोस्तों, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो पहला जो लिंक है ना दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप हमारी कोई भी वीडियो उठा ले, डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा वही हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा। इस लिंक पर आपको टैप करना है, आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पे, जो कि है ये UDCR10, इस पर डायरेक्टली लेके आएगा। आपको यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिखेगा, ठीक इस जगह पर जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ताकि आपको रोज़ाना हर एक वीडियोस की अपडेट्स, हर एक टीम, फाइनल टीम, देखिए फाइनल टीम इसी तरह आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ठीक इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा आपको, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पर टैप करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है, नहीं तो आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स कैसे मिलेगी, वीडियोज़ की अपडेट्स नहीं मिलेगी आपको। और एक लाइक ज़रूर कर देना है, वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब तो मस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी बात करते हैं मैच दोस्तों। अगर इनकी तरह आपको भी एक तरफा क्लीन स्वीप करना है, मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ, तो आपको क्या करना होगा,
आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातें, चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर देना। दूसरा, आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है कुछ भी पार्ट, पूरा वीडियो देखना होगा। और थर्ड, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम पर ही हमारी फाइनल टीम आएगी दोस्तों, वो ग्रैंड लीग को हो या फिर वो स्मॉल लीग की, जो भी हो आपको टेलीग्राम पर ही हम टीम प्रोवाइड करते हैं। और चौथा, आपको एक लाइक कर देना ना वीडियो को, एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बात करते हैं अभी इस मैच की, तो पहले तो मैच पर चलते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, स्टैट्स ज़रूरत है नहीं हमें, हमें कुछ स्टैट्स इस ग्राउंड के बारे में कुछ स्टैट्स ज़रूरत मुझे है नहीं, हमें ज़रूरत है नहीं, हमें प्लेयर्स की वो रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पर मुझे कुछ ज़रूरत है नहीं। मुझे कुछ जो चीज़ ज़रूरत है, वो जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो है रिसेंट फॉर्म। एक सेकंड, रिसेंट फॉर्म, एक तो हो गया रिसेंट फॉर्म, वो प्लेयर कैसा अभी रिसेंट फॉर्म में है उसका, उसके बाद उसका रोल क्या है टीम में, वो सिर्फ बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, या फिर ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहा है दोस्तों। और वुमेंस के मैच में आपको ज़रूरत है बैट्समैन की जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं दोस्तों, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन सबको चाहिए, स्पेशली उन प्लेयर्स चाहिए आपको जो पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते होंगे और आपको बैटिंग से दोनों तरफ से आपको पॉइंट दें। क्योंकि वुमेंस का मैच है ना, आपको वुमेंस के मैच में एक चीज़ दिखे ना दिखे, पर जो इम्पोर्टेंट वो जो चीज़ दिखेगी वो लो स्कोरिंग मैच, लो स्कोरिंग रहती है दोस्तों हर एक मैच। क्यों? क्योंकि मेंस के कंपैरेटिवली ना, वुमेंस के मैच में आपको रन्स कम बनते हुए दिखेंगे, उस पर आपको ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वुमेंस के मैच में, ये चीज़ आप याद रखना। तो हमारे टीम में कौन होंगे, हमारे टीम में पहला लंदन स्पिरिट्स की बात कर लेते हैं, रिचा घोष या सी हिल, दोनों आपके लिए बढ़िया चॉइस बन जाएंगे। रिचा घोष की बात करें, इनका बैटिंग ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इनको लेंगे या नहीं लेंगे, अभी के लिए इनको होल्ड पर रखते हैं। अगर हमें लंदन सॉरी साउथन ब्रेव्स वुमेन्स की टीम से कुछ अच्छा प्लेयर ना मिले तो मैं शायद यहाँ से विकेट कीपिंग में से रिचा घोष को ले लूँ, जो डाउन और इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन होता है दोस्तों, इसलिए मैं इनको ऊपर रिस्क लेने के बारे में थोड़ा सोचूंगा दोस्तों। अगर बात करें बैटिंग की, आपको हेदर नाइट को डायरेक्टली आपके टीम में लेना है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, और मैंने क्या बोला जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करती है ना उनको आपको टीम में रखना है। हेदर नाइट पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, और टॉप ऑर्डर की बैट्समैन है इसके हम इनको रखेंगे। अमेलिना केयर सबसे बड़ी ऑप्शन, टॉप ऑर्डर की बैट्समैन, प्लस चार ओवर मतलब 20 बॉल 20 बॉल्स आपको फेंकते दिख जाएंगे, आपके टीम में पक्का होने चाहिए। ग्रेस हेरिस आपके टीम में होने चाहिए, यहाँ से शार्लट डीन जो आपको बॉलिंग करते हुए इनको अपनी टीम में होना चाहिए, एस सारा ग्लैन दोस्तों, ये दोनों आपके टीम में होने चाहिए। पांच प्लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे इस टीम से, यहाँ से इन तीनों तो ऑलराउंडर्स की आपको ज़रूरत ही है टीम में, प्लस टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं ये तीनों, प्लस ये दोनों बॉलिंग करेंगे, ये दोनों भी बॉलिंग करेंगी, और हैदर नाइट पार्ट टाइम आपको 5 से 10 बॉल फेंकते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। तो बस और कुछ मुझे लगता नहीं चाहिए इस टीम से। अगर साउथर्न ब्रेव्स वुमेन की टीम की बात करें, इनका पिछला एक मैच हो चुका है, तो एक बार देख लेते हैं इनका पिछला मैच में परफॉर्म किसने किया। देखिए जैसा कि मैंने बोला, वुमेंस की मैच में स्कोर ज़्यादा बनता नहीं है दोस्तों, 100 बॉल्स में सिर्फ 100 रन, मतलब हर एक बॉल में सिर्फ ऑन एवरेज एक ही रन बना दोस्तों, तो ऐसा ही रहता है 100 का मैच वुमेंस का मैच दोस्तों। तो अगर ओपनिंग करें आपके स्मृति मंधाना, डेनियल वैट के साथ, फिर वाउचर, फिर अदाउंस, फिर एफ कैम, टायरन ब्राउन, उसके बाद आपके बैटिंग ऑर्डर में दिख जाएंगे के मोरिया, स्ट्रपशोल दोस्तों। बॉलिंग की बात करें, 20 बॉल कर रहे हैं आपके लोरा बेल, श्रपशोल, फिर टायरन, फिर मोर, फिर एडम्स दोस्तों। तो हमारे टीम में जो प्लेयर होंगे ना, वो टायरन तो पक्का हो जाएंगे हमारे टीम में, पहले बॉलिंग की बात कर लेते ना, श्रपशोल और टायरन कहाँ है, ये दोनों पक्का हो जाएंगे हमारे टीम में। फिर हम अदाम्स के साथ जाएंगे, क्योंकि 20 बॉल करते आपको दिख जाएंगे, और बॉलिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है इनका। तो तीनों बॉलर्स को हमने ले लिया, यहाँ से मैं अगर फोर्थ बॉलर के साथ जाऊँगा ना, तो मैं शायद जाऊँगा लोरा बेल के साथ, मैं मोर के साथ जाऊँगा नहीं। पहले बात करें तो अभी बैटिंग की, बैटिंग से यहाँ पर स्मृति मंधाना और डेनियल वाइट आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर बन जाएंगे। कौन? ऐसे स्मृति मंधाना और डेनियल वाइट आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर बन जाएंगे। यहाँ से आर साउथ भी की बात करें, इनका बैटिंग ऑर्डर एक बार देख कर लेते हैं ना, बहुत नीचे है दोस्तों शायद इनका बैटिंग ऑर्डर, हाँ बहुत नीचे। मैं इनमें के साथ नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ऋचा घोष के साथ, कहाँ है ये ऋचा घोष। तो ये प्लेयर्स बन गए इंपॉर्टेंट इस टीम से। अगर आप किसी को ड्रॉप करो ना, तो पता है किसको ड्रॉप करना है आपके लिए, एक इम्पोर्ट बता दे आपके लिए, आप यहाँ से ग्रेस हेरिस को शायद ड्रॉप कर सकते हो। अगर ये बैटिंग में, अगर ये लाइनअप अनाउंस होने के बाद हमें दिखे कि ये टॉप ऑर्डर में इनको मेंशन किया गया है,
तो ही मैं ग्रेस हेरिस के साथ जाऊंगा, या तो मैं यहाँ से इनको ड्रॉप करके यहाँ से मैं किसी और प्लेयर जैसे कि लोरा बेल हो गई, या फिर मैं मार्क बाउचर, इन दोनों के वजह से किसी एक के साथ अपने टीम में जगह बन जाएगी मेरी। शायद अगर इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहा दोस्तों, मैं इनको ड्रॉप करूँगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी के लिए ये मेरी फाइनल टीम है। कैप्टेंसी की बात करें, आपके पास ऑप्शन कौन कौन है? एमेलिना केयर का ऑप्शन है, एडम्स का ऑप्शन है, स्मिथी मंधाना का ऑप्शन है, और यहाँ से टायरन का ऑप्शन है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको कैप्टन से ज़्यादा जाना है एमेलिना केयर को, आपको कैप्टन बनाना है दोस्तों बिना कुछ सोचे। वाइस कैप्टन आपके पास ऑप्शन है सी टायरन, मंधाना और डेनियल वाइट का। दोस्तों मैं अभी के लिए स्मिथी मंधाना के साथ जाऊँगा एज अ वाइस कैप्टन। मैं आप शायद ट्राई जी एडम्स को भी कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, पर मैं मंधाना को वाइस कैप्टन और कैप्टन एमेलिना केयर के साथ जाऊँगा। आप रिस्क किसी पर भी ले सकते हो। तो अभी के लिए लगभग ये मेरी फाइनल टीम है। बाकी कुछ भी चेंजेस हो ना, मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़ा ना, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मस्ट है, नहीं तो आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।